जीवन उत्साह न्यूज पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा, जैसा कि आपको लेकर चल रहा हूँ, लगातार जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उनकी तरफ, और अभी काफ़ी सरगर्मियाँ चल रही हैं। कोरोना महामारी का भी डर काफ़ी बड़े स्तर पर चल रहा है, लेकिन क्योंकि अब प्रतिनिधि चुनने की बारी आ गई है, समय आगे है, तो हम सब लोगों को जागरूक भी होना पड़ेगा और अपने प्रतिनिधियों को पहचानना भी पड़ेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आज बड़सर विधानसभा में नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और जिसमें कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशियों द्वारा आज नॉमिनेशन फाइल किया गया था, जिसमें कि तीन लोगों ने आज एसडीएम ऑफिस में आकर नॉमिनेशन फाइल किया। जिला परिषद के उम्मीदवारों से हम आपकी मुलाकात लगातार करा रहे हैं, उनका किस तरह से व्यक्तित्व है, किस तरह से वो अपनी बात रख पाते हैं, क्या उनकी पूरी भूमिका है, वो हम आपके बीच में लगातार लेकर आ रहे हैं। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एसडीएम कार्यालय बड़सर में, जहां पर विधायक इंद्र लखनपाल जी की अगुवाई में तीन प्रत्याशियों ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया, जिनमें एक संतोष डोगरा जी बड़सर वार्ड से, मीना कुमारी जी बिजड़ी वार्ड से और संजय कुमार जी करेर वार्ड से। इन तीनों ने आज अपना नॉमिनेशन यहां पर फाइल किया है। इसको लेकर सबसे पहले हम विधायक इंद्र लखनपाल जी को और कांग्रेस पार्टी और सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। सबसे पहले हम यहां पर विधायक इंद्र लखनपाल जी से आज आपकी बात कराएंगे, और वो इसको लेकर क्या अपने कैंडिडेट्स को और जनता को कहना चाहेंगे इस नॉमिनेशन के माध्यम से। तो चलिए आपकी बात कराते हैं। विधायक इंद्र लखनपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज पर, और सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है उसकी वजह से आज तीन प्रत्याशियों ने आपके उम्मीदवारी के लिए नॉमिनेशन फाइल किया है। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे इनको लेकर आप? सबसे पहले मैं जो आज कांग्रेस पार्टी से समर्थित जिला परिषद के जो उम्मीदवार हैं उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ और नववर्ष की बधाई भी देता हूँ आने वाले नववर्ष की। और साथ में आज हमारे तीन प्रत्याशियों ने बड़सर वार्ड से और बिजड़ वार्ड से और करेर वार्ड से जो है नॉमिनेशन आज फाइल किया है एसडीएम महोदय के समक्ष, और इसमें संतोष डोगरा जी और मीना कुमारी जी बिजड़ी से, संतोष डोगरा जी बड़सर से और संजय जी हमारे करेर वार्ड से, तो इनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। और क्योंकि पंचायती राज अधिनियम के तहत जो आज चुनाव होने जा रहे हैं प्रदेश के अंदर, उसी कड़ी में बड़सर विधानसभा क्षेत्र में भी जिला परिषद के जो उम्मीदवार हैं उनको विधिवत रूप से जो पार्टी ने अधिकृत किया है, तो मैं समझता हूं कि अब पंचायती राज की जो नई व्यवस्था बनने जा रही है हमारे जिला के अंदर भी, तो उसमें हमारे जिला परिषद के जो लोग हैं वो बहुत ही काबिल हैं और अपने अपने क्षेत्र में कई बार वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं पंचायतों का, जैसे कि संतोष डोगरा जी हैं हमारे, दो एक बार जजरी पंचायत की प्रधान रही हैं, और बिजड़ी पंचायत से जो हमारी प्रत्याशी हैं मीना कुमारी जी, ये दो बार बिजड़ी पंचायत की प्रधान रही हैं, और संजय कुमार जी हमारे पूर्व में उप प्रधान रहे हैं लोडर पंचायत के, जिन्हें हमने करेर वार्ड से जो है एक युवा उम्मीदवार हैं उनको उतारा है। और साथ में इन तीनों ही जो हमारे उम्मीदवार हैं तीनों ही पंचायती राज की अच्छी समझ बूझ रखते हैं, आने वाले समय में जब ये जीत कर आएंगे तो मैं समझता हूँ कि अपने जिला परिषद के जो इनके वार्ड हैं उसमें ये और विकास के काम देंगे, उसको नई दिशा देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनका बहुत बहुत इनको बधाई देता हूँ और इनको शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा लखनपाल जी, मैं यहाँ पर एक सवाल ऐसा है जो राजनीति से जुड़ा हुआ है, आप विधायक हैं यहाँ के, और क्योंकि ये सब प्रत्याशी तजुर्बेकार हैं इसमें कोई शक नहीं है, अगर मैं आपको एक एक लाइन में ये कहूँ कि कांग्रेस पार्टी के ये प्रत्याशी जो आपने नॉमिनेट किए हैं ये क्यों जीत के दावेदार हैं इस बार जिला परिषद के चुनावों में, वो अगर आप कहना चाहते हैं? देखिए, जो जहाँ तक जो हमारे उम्मीदवार हैं वो एक तो सूझबूझ वाले हैं, जैसे हमारे एडवोकेट हैं संतोष डोगरा जी, एडवोकेट सी भी करती हैं और साथ में पंचायती राज की भी समझ रखती हैं, मीना कुमारी जी भी पंचायती राज का समझ रखती हैं, संजय कुमार जी भी पंचायती राज का समझ रखती हैं। और जहाँ तक इनका जीतना क्यों जरूरी है, वो इस बात की घोतक है कि आज जो पंचायतों के अंदर जो एक व्यवस्था है उसको सही तरीके से ये बनाए, इसलिए इनको हमने जीत के प्रति इनके हम आश्वस्त भी हैं और पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि इनका अपना तजुर्बा भी है और पार्टी का भी अपना तजुर्बा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लखनपाल जी। हम आपको यहाँ पर यहाँ जो प्रत्याशी हैं उनसे भी मिलाएंगे। हमारे बीच में एडवोकेट संतोष डोगरा जी हैं जो काफ़ी तजुर्बा भी रखती हैं, एजुकेट
एजुकेशन वाइज भी इनको नॉलेज है नियम कायदों का, और उसके साथ साथ प्रधान भी रही है। तो संतोष जी बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं कि आज आपने नॉमिनेशन फाइल किया है। क्या कहना चाहेंगी आज के दिन को लेकर? बहुत एक्साइटमेंट है, आज हमने नॉमिनेशन फाइल किया है और उम्मीद है कि कुछ खरा करेंगे, जैसा कि हमारे ऊपर जो जिम्मेवारी डाली है हम निभाने की कोशिश करेंगे पूरी पूरी, और देखते हैं अब जनता का फैसला क्या रहता है। जी, हमारे बीच में मीना कुमारी जी भी हैं बिजड़ी बाढ़ से, ये भी दो बार प्रधान रही हैं, अभी वर्तमान में भी प्रधान हैं, तो इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मीना कुमारी जी, आपको भी, आपने नॉमिनेशन आज फाइल कर दिया है, क्या कहना चाहेंगी जनता को आप? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी जी और को आगे जनता का देखते हैं वो क्या करते हैं। जी, इस बार क्योंकि सरकार ने महिलाओं को बहुत ध्यान दिया है, और हमारे बीच में यहाँ संजय कुमार जी भी उपलब्ध अभी नहीं है, लेकिन मैं बात कराऊंगा आपकी उनसे भी, महिलाओं को लेकर जो इस बार सरकार ने विश्वास जताया है, उस विश्वास को लेकर महिलाएं कितनी खरी उतरती हैं तो चुनावों के बाद ही पता लगेगा। लेकिन आप सब लोगों को अपने अपने प्रतिनिधियों को जरूर समझना है, जानना है, क्योंकि ये आपकी तरक्की का एक कारण है। आप ये समझ लीजिए कि केवल भाई भतीजा बात करके आपको वोट नहीं देना है, बल्कि आपको एक सही कैंडिडेट चुनाव करना है। सही कैंडिडेट का अर्थ ये होता है कि उसका बैकग्राउंड, उसका पास क्या है, किस तरह से वो कार्य कर सकता है, किस तरह उसका व्यक्तित्व है, ईच एंड एवरीथिंग आपको देखना है, क्योंकि सही प्रतिनिधि होंगे तभी आपकी पंचायतों का, आपके गांव का विकास हो सकता है। बने रहिए आप हमारे साथ इसी तरह से, और भी कैंडिडेट्स को हम अलग अलग पार्टी से जो भी आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे उनको आपके बीच में लेकर चलेंगे। धन्यवाद आपका।